हाय गाइस, क्या आप भी कमाना चाहते हैं दिन का 2 से 3 हजार रुपया? दोस्तों, अगर आप भी सिंपल तरीके से और सिंपल वे में कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे आप कमा सकते हैं दिन का 2 से 3 हजार। हाँ दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और स्वागत करता हूं आपका हमारे प्रभात ट्रेडिंग सर्विस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑसम ऑस्किलेटर इंडिकेटर की। देखिए, ये इंडिकेटर बहुत पावरफुल है। ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए वरदान है जिन लोगों को कैंडलस्टिक्स रीडिंग और चार्ट रीडिंग नहीं आती, जिन लोगों को प्राइस एक्शन नहीं आता। दोस्तों, इस सिंपल से पावरफुल इंडिकेटर को आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में पुट करके आप अच्छा खासा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये ऑसम ऑस्किलेटर इंडिकेटर किस बारे में है, ठीक है, और इसको हमें किस तरीके से यूज करना है इंट्राडे में। देखिए, पहले हम समझते हैं कि ये इंट्राडे में हमें काम करने के लिए इस इंडिकेटर पे कौन सा टाइम फ्रेम हमको लेना है। दोस्तों, इसके लिए हमको लेना है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट किसके लिए? दोस्तों, ये है उन लोगों के लिए जो लोग स्क्रीन पे रहना जानते हैं, जो लोग स्क्रीन पे रहते हैं, दोज आर कॉल्ड स्क्रीन ट्रेडर। अच्छा, आप 5 मिनट की जगह पे आप 10 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। दोस्तों, ऑसम ऑस्किलेटर में बेसिकली दो हिस्टोग्राम कलर होते हैं। पहला एक ग्रीन होता है और दूसरा रेड होता है, ठीक है। ग्रीन जब हमें दिखे तो वहां पे सिंपल सा बाय के लिए हमें एक इंडिकेशन मिलती है, और जब रेड दिखे तो वहां पे सिंपल सा हमें एक सेल के लिए इंडिकेशन मिलती है। देखिए, बेसिकली आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में, हम दो हायर हाई कंसेक्यूटिव ग्रीन और रेड कैंडल को फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, अब ये चीजें कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये सिंपल सी चीज है। इसमें आपको इंडिकेटर, इसमें आपको कैंडलस्टिक्स देखने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें समझेंगे कि कब हमें एंट्री लेनी है और कब हमें एग्जिट लेना है। चलिए चलते हैं अपने चार्ट पे और इस इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने जीरोधा के टर्मिनल पे और हमें क्या करना है, हमें स्टडीज में जाना है और टाइप करना है ऑसम। तो आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है ऑसम ऑस्किलेटर, इसको हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रखा है ऑसम ऑस्किलेटर। दो हमारे पास बार दे रखे हैं, एक इंक्रीजिंग बार, दैट मींस इंक्रीजिंग मतलब जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होगा तो ग्रीन बनेगा वहां पे बार, जब कोई स्टॉक नीचे जा रहा होगा तो वहां पे रेड बार बनेगा, ठीक है। बाकी इस कलर को हम चेंज भी कर सकते बाकी इस कलर्स को हम चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट ये इसी प्रकार से एक कलर आता है। इसको हम करते हैं डन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डन करने के बाद कितना सिंपल सा, ठीक है, कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव सा यहाँ पे एक नीचे हमको एक सिनेरियो देखने को मिल गया है। यहाँ पे ज्यादा कुछ मिक्सअप चीजें नहीं इसमें करके दे रखी है, सिंपल सा आप कह सकते हैं कि यह आपके कैंडल स्टिक का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक्स ही है। कैंडल स्टिक्स में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल और सोवर सी चीजें देखने को मिलती है। आइए पहले हम समझते हैं कि हमें ऑसम ऑस्किलेटर में एंट्री कब लेनी है, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी वीडियो देखी होगी, हम दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल जब आपको दिखे, यानी मैं ऑस्किलेटर की बात कर रहा हूं, मैं ऑसम ऑस्किलेटर की बात कर रहा हूं, आपको क्या करना है, जब दो इंक्रीजिंग बार दिखे, जब दो हायर हाई ग्रीन और रेड बार दिखे, आपको बाय करना है। वहां पे आपका बाय पोजिशन होगा। मान लीजिए यहां पे है, ये आपको सिनेरियो दिख रहा है, तो दिस सिनेरियो वुड बी योर बाइंग पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यहां पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू है इसकी, ठीक है। वैल्यू क्या है? एक तो पहली बात, यहां पे 0 है, 0 से लेके अभी हाल फिलहाल 40 है, ठीक है, +40, और यहां से नीचे तक है हमारा 0 से लेके -40, ठीक है। दोस्तों, तो हमें जब हम बाइंग करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो इंक्रीजिंग बार का जो वैल्यू हो वो 2 से 6 के आसपास हो, मतलब ज्यादा ना हो, 10 के आसपास ना हो। अगर आपका जो बार है 10 के वैल्यू पे आ रहा है, दैट मींस वहां पे आपका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान दे रहे हैं आप सब मेरी बातों को? वहां पे रिस्क बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा आपका छोटा बार होगा, जितना ज्यादा आपका छोटा बार का वैल्यू होगा 2 से 3,
तो वहां पे आपको क्या होगा, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए मान लीजिए हमें क्या करना है, यहां पे बाइंग हमने ले ली। बात करें स्टॉप लॉस, दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए हमें क्या करना है, देखिए स्टॉप लॉस के लिए हमें दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। ऊपर अगर मान लीजिए यहां पे दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल आ जाती है, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल यानी रेड बार, ठीक है, तो वहां पे हमको सिंपल सा एग्जिट कर लेना है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि वहां पे प्राइस का स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, अपसाइड जाने का स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, तो जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकल जाना है। आइए समझते हैं और देखते हैं चार्ट पे कि यहां पे हमको दो हायर हाई मिले हैं हमको यहाँ पे, इसका मतलब आप सेम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपका कैंडल का सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे आपको बाय करना था और बाय करके मान लीजिए आपको यहाँ पे कितने बाय किया आपने, 915 पे 930 चला गया, 15 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल गया। चलिए मैं एक बात कहता हूँ कि 15 रुपये आपने नहीं लेके निकले, आपने वहां पे केवल 10 रुपये लिया, आपको 10 रुपये तो मिला। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस थिंग। आपको कब तक वेट करना है, जब तक दो रेड बार नहीं बन जाता आपके सामने, ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपको बाय करना है। ये थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। अच्छा एक चीज और दोस्तों, देखिए जितना बड़े बड़े बार होंगे, ठीक है, जितने बड़े बड़े ग्रीन बार होंगे, इसका मतलब वो होगा कि प्राइस उतना इंक्रीज हो रहा है, उतना प्राइस में मूवमेंट आ रही है। ध्यान दे रहे हैं आप सब मेरी बात, जितना छोटा छोटा बार होगा वहां पे, इसका मतलब ये है कि प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है और प्राइस एक बड़ा सा मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है। तो जहां पे बड़े बड़े बार हैं आप देख रहे हैं, यहां पे बड़े बड़े ये सब जो एरिया है, ये सब यहां पे बड़े बड़े बार बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुका है नीचे से। आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड आप यहां पे देखिए, इसका मतलब ये है कि यहां से ये कितना अच्छा फ्लक्चुएशन कर चुका है, इसलिए यहां पे बहुत बड़ा बड़ा बार बना है, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए हमने यहां पे बाय किया, ठीक है, दो हायर हाई बार देख के, ठीक है, अब किसी को अगर होल्ड करना है, ठीक है, अपने बिल्कुल मार्केट एंड तक, तो आप निकलोगे कब, जब आपका दो रेड बार बन जाएगा, ठीक है। जब रेड बार बन जाएगा इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पे बाइंग का स्ट्रेंथ खत्म हो गया, स्ट्रेंथ फिनिश आउट होने लगा, आप वहां पे थोड़ा थोड़ा निकलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कैसे बाय करना। आइए थोड़ा हम समझते हैं, देखते हैं कि और सेल कैसे करना है। लेट्स सपोज हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अभी मैंने हिंदुस्तान यूनिलिवर का चार्ट खोल रखा है और थोड़ा हम समझते हैं सेल हमें कैसे करना है। सिंपल, यहां पे आप देखिए, यहां पे दो लोअर लो, मैंने क्या बताया, ये बहुत पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम है, ये सिंपल और इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिन लोगों को चार्ट समझ में आता नहीं, जिन लोगों को कैंडल समझ में नहीं आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोअर लो बार बने, वैल्यू कितना दोस्तों, वैल्यू बिल्कुल कम है हमारा, -2 है। जैसा मैंने बताया लोअर लो फाइंड आउट करोगे सेल के लिए करेंगे तो आपको माइनस में वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। दो है, दो की जगह पे यही 20 होता, 10 होता, हम वहां पे अवॉइड करते हैं। इसका मतलब 10 क्यों हो रहा है वहां पे, अगर 10 वहां पे वैल्यू होती बार की, इसका मतलब ऑलरेडी मूव कर चुका है, ध्यान दीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक कितना इसका कैंडल, भाई ये कैंडल है तो यहाँ पे हमको शॉर्ट करना था, और आपने मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट किया 2365 समथिंग के आसपास, और 65 से 55 आ गया, 10 से 12 रुपए का मूवमेंट आपको तुरंत अगली ही 10 मिनट में मिल गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी पावरफुल चीज है ये। सो दोस्तों इसी प्रकार से हमको सेल करना है। आइए थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से ये थोड़ा सा आपको फेक सिग्नल भी दे सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी ही काम करती है, 100% यहाँ पे कोई राइट नहीं होता। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें आपको बढ़िया चीज तो दिखा दी, अब हम थोड़ा चलते हैं समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें और हैपन हो सकती हैं, ठीक है, आपके साथ। अच्छा अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि फेक फेक सिग्नल कैसे हमें हैंडल करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये सोचा कि भैया ये तो बाय साइड जाएगा, हमने यहाँ पे वैल्यू देखा, दो इंक्रीजिंग हायर हाई बार है, हमने यहाँ पे बाय कर लिया, बाय कितने पे किया दोस्तों, 2380 के आसपास, ठीक है, 2380 के आसपास, ठीक है, 2380। अब मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, जब दो लोअर लो, जब मैंने, और दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, निकलना कब है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, दो रेड बार है, तो दो जब आपको रेड बार दिख जाए किसी भी सिचुएशन में, देन इट वुड बी योर एग्जिट पॉइंट। तो यहां पे हमको दो लोअर लो
तो यहाँ पे हमको दो रेड बार दिख गए, हमको यहाँ पे एक दो, यानी 13:15 वाली कैंडल में हमको निकल जाना है। कितने रुपए का लॉस हुआ? केवल 3 से 4 रुपए का लॉस हुआ। दोस्तों देखिए, जब मार्केट में गिरावट होगी, जब कोई चीज गिरेगी, तो कभी कभार आपका हल्का फुल्का 1, 2, 3, 4 कैंडल ग्रीन बनाएगा। वो ग्रीन किसके लिए है? वो पुल बैक के लिए होगा, ठीक है? वो कैंडल स्टिक में पुल बैक आएगा, तभी उस प्रकार से ये हमारा ग्रीन बार बनेगा। दोस्तों मैं अगर बात करूं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं उस बार को भी जिसकी वैल्यू 20 से 30 रुपए है, लेकिन वो आपका ट्रेड रिस्की होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दो लोअर लो रेड बार दिखे हैं, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे वैल्यू 36 है इसकी, 30 से 35 तक। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्या कीजिए, आप अपने ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा 2 के आसपास की कोई वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है? तभी आपका वो बेस्ट ट्रेड कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एचयूएल बहुत चढ़ा, यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे बार क्यों बना रहा था? ग्रीन बार इसलिए बना रहा था क्योंकि भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, आप निकलने का प्रयास करो। फिर आप देख सकते हैं धीरे 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 वो जो ग्रीन बड़े बड़े बार थे वो जाके अब नेगेटिव में आ गया। अब यहाँ पे आप आराम से एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे। देखिए परफेक्ट आपकी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख गई। आपको दिखाता हूँ मैं, लेट्स जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा। ये कैंडल लोअर लो है, वैल्यू कितनी है दोस्तों? वैल्यू हमारी 2 से लेके 5 के बीच में। हमको यहाँ पे शॉर्ट सेल करना था, ठीक है? और स्टॉप लॉस क्या होगा? 2 रेड बार, ठीक है? 2 रेड बार बन जाते तो हम निकल जाएंगे। और हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया और 2570 को शॉर्ट सेल किया, और क्या जबरदस्त मूव मिला है आप देख सकते हैं। ये इंडिकेटर बहुत पावरफुल है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो आई एम डैम श्योर आपको ये एक ना एक दिन बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने आज सीखा और कल से अप्लाई कर रहे हैं और कल आपको प्रॉफिट होने लग गया। जैसे जैसे आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देते जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और दोस्तों अगर आपने हमारा नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज, क्योंकि जो भी हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं वो आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां हम रेगुलर ट्रेडिंग आइडियाज देते रहते हैं।